हेलो दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात, इस वीडियो में मैंने जो जो परफ्यूम का जिक्र किया है, अगर आपको लग रहा है कि इनसे कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे तो ये वीडियो को स्किप कर दो। दूसरी बात, हार्डवर्क करते रहो और फल की अपेक्षा मत करो। इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो का कंटेंट बनाते वक्त इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल का सब्सक्राइब करो। ये मैं नहीं भूलूंगा। परफ्यूम्स, फ्रेगनेंसेस, ये सब्जेक्टिव्स होते हैं। खुशबू भी सब्जेक्ट होते हैं। हर एक को अलग अलग खुशबू पसंद आती है, तो ये बाय चॉइसेस होते हैं, ना कि सीजन वाइज होते हैं। इसका एग्जांपल अगर ऐसा दूँ, मुझे बोल्ड और स्मोकी फ्यूजर टाइप परफ्यूम्स काफ़ी पसंद है, तो मैं उसको ऑल सीजन लगाता हूँ। और मुझे एक्वाटिक परफ्यूम्स काफ़ी कम पसंद है। उसमें से दो ही ब्रांड के परफ्यूम मुझे पसंद है, वो एक नोटिका वॉयज और दूसरा है डेविडोफ का कूल वाटर। वैसे ठीक मेरे दोस्त को ये दो परफ्यूम जो एक्वाटिक बेस्ड परफ्यूम है वो काफ़ी पसंद है, और उनको वो ऑल थ्री सीजन्स वो उनको अप्लाई करता है। मैंने उसको बहुत बार कहा कि ये डार्क परफ्यूम्स तो विंटर में लगा, फिर ये माइल्ड परफ्यूम तो मानसून में लगा, बट उसने मना कर दिया, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस था उसके चॉइसेस के ऊपर। उसको एक्वाटिक बेस्ड परफ्यूम काफ़ी पसंद है, तो उसके ऊपर ही वो अड़ा रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को अजीब लग सकती है, क्योंकि परफ्यूम बाय चॉइसेस होते हैं, ना कि सीजन वाइज। फिर भी मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जिनको गूगल में या यूट्यूब में सर्च करने की आदत है, बेस्ट परफ्यूम्स फॉर विंटर सीजन, फॉर मानसून सीजन, फॉर समर सीजन, तो उनके लिए ये वीडियो है। फॉर विंटर सीजन मैंने कुछ बजट फ्रेंडली परफ्यूम्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, जो 1000 रुपये के अंडर ही रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया में बजट फ्रेंडली परफ्यूम्स ही यूज़ करते हैं, डिओडरेंट यूज़ करते हैं। ब्रांडेड परफ्यूम और निश परफ्यूम काफ़ी, मतलब डिज़ाइनर परफ्यूम काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं। तो जो परफ्यूम्स रहेंगे वो कुछ इंस्पायर्ड वर्जन के ब्रांड के भी रहेंगे, और कुछ नहीं, एक ही इंस्पायर्ड वर्जन है अरेबियन अरोमा के, और वही मुझे एक ब्रांड अच्छा लगा, एक सोफिस्टिकेटेड ब्रांड लगा, बाकी इंस्पायर्ड परफ्यूम्स के इसमें और एक EM5 का रहेगा। मैं इनका रैंकिंग नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये बाई चॉइसेस है, हर एक का अपना अपना चॉइस रहेगा कि कौन क्या रैंक पे आए। और अगर आपको लगता है इनको रैंकिंग करना है, तो वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट सेक्शन में इनका रैंकिंग आप कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे बियर्डो का गॉडफादर, और ये है एक इंस्पायर्ड वर्जन, मतलब मिला जुला के वर्षाचे इरोस और रसासी हवास का एक मिलाप है ये, और ये स्किन के ऊपर 4 से 5 घंटा टिकता है। इसका प्रोजेक्शन काफ़ी एवरेज है, 1 घंटे का प्रोजेक्शन, 1 फुट का प्रोजेक्शन है, काफ़ी कम नोटिसेस दिलाता है, बट क्लोज टू स्किन जब कोई आता है तो उसको एक सुखद एहसास मिलता है। और ये कपड़ों के ऊपर लॉन्जिटिविटी आपको मिलेगी कम से कम 6 से 7 घंटा। तो नेक्स्ट परफ्यूम है स्टिल बाय टाइटन स्किन। ये मेरा काफ़ी सबसे फेवरेट परफ्यूम है, और इसका जो इम्प्रेशन है वो काफ़ी मैग्नेटिक है। इसका जो ओपनिंग होता है वो फ्रेश अकॉर्ड के साथ ओपनिंग होता है, और मिडिल नोट्स में इसको आपको मिलेंगे इसमें कुछ स्पाइसेस के नोट्स, जैसे पिंक पेपर हो गया, नटमेग हो गया, और इसका जो ड्राई डाउन है वो मस्क और सिदार वुड के साथ, वेनिला के साथ इसका ड्राई डाउन है, जो काफ़ी सेडक्टिव है। और इसका डायडोन ही मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। इसका जो मैंने रिव्यू किया है आप वो जाके देख सकते हैं। इसका जो परफॉर्मेंस है वो 5 से 6 घंटे स्किन के ऊपर और क्लोथ्स के ऊपर 8 घंटा। इसका प्रोजेक्शन काफ़ी एवरेज है, 1 से 1.5 फुट का प्रोजेक्शन है, जो 1 घंटा ही टिकता है। अगेन नेक्स्ट परफ्यूम जो है, इट इज़ अल्ट्रा बाय ई एम फाई हाउस, और इन्होंने अच्छा काम किया इसके साथ। और इसका जो मेन नोट है वेनिला का, वो ये पूरे परफ्यूम का किंग है, और ड्राई डाउन में ये काफ़ी अच्छा काम करता है। और इसका जो मिडिल नोट है, मिडिल नोट्स में आपको वार्म स्पाइसी नोट्स मिलेंगे, जैसे नटमेग, पिंक पेपर हो गया और जेरेनियम हो गया, और ओपनिंग में आपको इसमें मिलेंगे बगमॉट और पियर, तो काफ़ी वार्म और जो स्पाइसी और जो स्वीट खुशबू इसकी, वो एक बेहद कमाल की और काफ़ी यूनिक खुशबू है। और जो नाइट इवेंट्स है, क्लब हो गया या पार्टी इवेंट्स हो गए, इसके लिए ये एक सचमुच में सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, और ये 500 रुपये में 15 ml की बॉटल आती है। इस लिस्ट का सबसे नेक्स्ट और मेरा सबसे फेवरेट ओम्ब्रे लेदर बाय अरेबियन अरोमा। अरेबियन अरोमा ने इसमें अच्छा काम किया है। ये परफ्यूम लीनियर नहीं, इसके नोट्स थोड़े बहुत चेंज होते हैं, ज़्यादा नहीं, जैसे ओरिजिनल चेंज होता है वैसा नहीं होता है, बट 700 रुपये में अरेबियन अरोमा ने इसमें ज़बरदस्त काम किया है। ये एक्स्ट्रा द परफॉर्म वर्जन है, जिसमें 25 ml ऑयल कॉन्सेंट्रेशन यूज़ हुआ है, और इसका जो प्रोजेक्शन है
वो 2 घंटा रहता है, 1.5 फुट तक रहता है, और इसका जो स्किन के ऊपर लॉन्जिट्यूटी है 6 घंटे की लॉन्जिट्यूटी, और कपड़े के ऊपर ऑलमोस्ट 10-12 घंटा चली जाती है। तो 700 रुपये में एक अच्छा बीस्ट बोर्ड परफ्यूम मिलता है, बट ये परफ्यूम को कैरी करना थोड़ा जिगरे का काम है, क्योंकि ये काफ़ी बोल्ड और स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है। ये आप सोचोगे तो ऑरोमेटिक या फ्लोरल परफ्यूम नहीं है, ये एक वुडी और वुड बेस्ड परफ्यूम, ऐसा भी नहीं कह सकते, एक प्योर रॉ लेदर की खुशबू इसमें है, जिसको कैरी करना थोड़ा मर्दों का काम है, मतलब ये बॉयज़ के लिए नहीं है। आप मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको समझना पड़ता है, ये माइंड ब्लाई वाला परफ्यूम नहीं है। आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद इसकी बॉटल पूरी खरीद सकते हो आप। हालांकि इसमें 50 ml ही ऑप्शन आता है अरेबियन अरोमा में, बट आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हो, और जिसको ये भा गया मतलब वो बाकी परफ्यूम्स को हाथ नहीं लगा सकता। ये मेरा फेवरेट है, वन ऑफ द, बहुत सारे मीटिंग्स को मैंने इसको यूज़ किया है, और ये मेरी सेकेंड बॉटल है अभी उनकी जब से मैंने लिया है, और इसका ड्राई डाउन यहाँ से ही समझ में आता है, काफ़ी प्योर रॉ लेदर की खुशबू है इसमें, और काफ़ी पसंद आती है मुझे ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, मतलब जैसे मैंने कहा अरोमेटिक खुशबू या कोई फ्लोरल खुशबू, कोई वेनिला की खुशबू, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसके नोट्स थोड़े बहुत चेंज होते हैं, थोड़ा ट्रांजिशन आपको नज़र आता है इसमें जब ये नोट्स चेंज होंगे। आप एक बार इसको समझें और उसके बाद इसको यूज़ कीजिए, 700 रुपये में ये भी बॉटल आती है। नेक्स्ट है फॉग इम्प्रेशियो, काफ़ी बेहद ब्यूटीफुल बॉटल इसकी है, इसका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है और सस्ते दाम में मिलती है। एक फ्लोरल ओरिएंटल अरोमेटिक खुशबू है जिसमें काफ़ी फ्रूटीनेस है, तो और ये खुशबू सबको पसंद आएगी, और सबसे बड़ी बात सस्ते दाम में सबसे बेस्ट मोड परफ्यूम ये है। जैसे आप रूम में एंटर करोगे सबको पता चल जाएगा आपका परफ्यूम, और ये टिकता भी बहुत ज़्यादा है, 8 घंटे का इसका परफॉर्मेंस है, तो क्या कहने, और हर जगह पे अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन इजीली अवेलेबल है, और इसका एटमाइजर भी उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी लिस्ट है, ये लिस्ट और बढ़ सकती है, या फिर आपको कौन सी परफ्यूम्स फॉर विंटर सीजन उनका रिव्यू चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। दोस्तों ये वीडियो आपको कितना इंफॉर्मेटिव लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, तब तक के लिए बाय बाय।